हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी सोया चिली। सोया चिली खाने में बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी लगती है। तो सोया चिली बनाने के लिए हम एक पैन में लगभग 1.5 कप सोया चंक्स 5 मिनट के लिए अच्छे तरह से बॉयल कर ले हैं। देखिए, हमारी सोया चंक्स अच्छे से बॉयल हो चुकी है। हम इसे अच्छे से निचोड़ के दूसरे बर्तन में रखेंगे। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच मैदा, 2 चम्मच दही, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सोया सॉस 1 चम्मच, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। हमारी सोया चंक्स अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे हम सोया चंक्स को तेल में एक एक करके डालेंगे। हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके ना। सोया चंक्स गोल्डन एंड क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। चिली का सॉस तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है। सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 2 कैप्सिकम और 1 टमाटो स्क्वायर शेप में काटा हुआ और 3 हरी मिर्च के स्लाइस। अब हम गर्म तेल में ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च। अच्छे से चलाते रहें। फिर हम एक एक करके ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, कैप्सिकम और 1 छोटे चम्मच नमक। फिर इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम ऐड करेंगे नमक, अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, डालेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच सोया सॉस।
आधा चम्मच चिकन मसाला डाल सकते हैं। इसे अच्छे से चलाते रहें। देखिए हमारी मिक्सचर अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें सोया चंक्स ऐड करेंगे। ग्रेवी के लिए आप 1 कप पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिला लें। फिर इसे आप मिक्सचर में ऐड करें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सोया चिली तैयार हो चुकी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे आप गरम गरम सर्व कीजिए। उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।